वेलकम टू अल खालिक एकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 का लेसन 1 रीड करेंगे। लेसन 1 में आपके पास पोयम गिवन है। पोयम का नेम है अ चाइल्ड्स हाइम, मतलब एक बच्चे की दुआ। देख सकते हैं आप तस्वीर में, जिस तरीके से बच्चा बैठा है और नमाज पर जानमाज पर और दुआ मांग रहा है, तो उस बच्चे की क्या हमद है ये हम पढ़ेंगे। पहले हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर इसको एक्सप्लेनेशन में डिफाइन करेंगे। सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें बोल रहे हैं, गॉड मेक माई लाइफ अ लिटिल लाइट विद इन द वर्ल्ड टू ग्लो, अ लिटिल फ्लेम दैट बर्न्स ब्राइट वेयर आई मे गो। मतलब कि एक खुदा मेरी ज़िंदगी का थोड़ा सा नूर बनाए, मेरी ज़िंदगी को थोड़ा सा नूर बनाए, मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी रोशनी दे चमकने के लिए। लफ्ज़ के अंदर विद इन द वर्ड्स टू ग्लो, अल्फाज को चमकाए, एंड अ लिटिल फ्लेम दैट बर्न्स ब्राइट वेयर आई मे गो। अब इस पूरे पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि मेरे परवरदिगार मेरे अल्फाज को वो रोशनी वो चमक अता कर कि मैं जहाँ भी जाऊँ वो जगह मुनव्वर हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें बोल रहे हैं, गॉड मेक माय लाइफ अ लिटिल फ्लावर दैट गिव्स जॉय टू ऑल। मतलब खुदा मेरी ज़िंदगी को उस छोटे से फूल की तरह बना दे जो हर जगह खुशी देता है, हर जगह खुशी देता है। कंटेंट टू ब्लूम इन नेटिव बोअर ऑल दो द प्लेस बी स्मॉल। अच्छा, इस तरह को उसने अपने आबाई कुवत के आबाई अबाऊ अजदाद के बारे में बयान किया है कि मेरे परवरदिगार मेरी ज़िंदगी उस खुशी देने वाले छोटे से फूल की मानत कर दे जो सबके लिए खुशी का बायस हो। जिस तरह एक फूल पूरे बाग को महकाता है, इस तरह मेरे आबाओ अजदाद का भी नाम रोशन हो, अगरचा वो थोड़े से अरसे के लिए ही क्यों ना हो। मतलब वो अपने लिए तो दुआ मांग ही रहा है, अपने आबाओ अजदाद और अपनी तमाम नस्ल दर नस्ल सबके लिए दुआएं वो खुद ही मांग रहा है। हर तरह से वो अपनी हमद में इस चीज़ को बयान कर रहा है। नंबर थर्ड, गॉड मेक माय लाइफ अ लिटिल सॉन्ग दैट कंफर्ट द सैड दैट हेल्प्स अदर्स टू बी स्ट्रॉन्ग एंड मेक द सिंगर ग्लैड। कह खुदा मेरी ज़िंदगी को उस सिंगर उस छोटे से सॉन्ग को हम यहाँ पर हम की शक्ल में ही लेंगे कि ए परवरदिगार मेरी ज़िंदगी उस पुर मुसर्रत आवाज़ की मानत कर दे जिसे सुनकर गमजदा दिलों का को राहत पहुँचे, ताकि सुनने वाले को भी कुव्वत अता हो और गाने वालों को भी। यह अपनी ज़िंदगी का जिक्र कर रहा है इसके अंदर कि मतलब मैं इस तरीके से हर शय पर काबू पा सकूँ, जैसे कि वो मतलब कि हर किसी को खुशी देना चाहता है, इस तरीके से उसने बात की है। थर्ड पैराग्राफ में बोल रहे हैं, गॉड मेक माई लाइफ अ लिटिल हाइम और ऑफ टेंडरनेस एंड प्रेस ऑफ फेथ दैट नेवर वैक्सेस डिम इन ऑल हिज वॉन्ड्रियस वे। वो कह रहा है खुदा मेरी ज़िंदगी को उस छोटी सी हमद की तरह कर दे, मतलब जैसे कि अब वॉन्ड्रियस वे हर हैरत अंगेज़ अजीब व गरीब अंदाज में कि लोग परेशान रहते हैं, तो इसका वर्ड टू वर्ड मतलब तो यही होगा कि ए परवरदिगार मेरी ज़िंदगी उस हमद की मानत कर दे जिसे पढ़ने वाला ज़िंदगी के तमाम अजीब व गरीब मामलात में नरमी अख्तियार करे और उसका अकीदा उसका ईमान कभी ना डगमगाए। मतलब वो कह रहे हैं कि जो भी हम की जो भी इसे पढ़े वो ज़िंदगी के तमाम अजीब व गरीब मामलात को आसानी से हल कर सके, उसको अख्तियार कर सके और अपना अकीदा और ईमान कभी अल्लाह की तरफ से ना डगमगाए। इस पोयम को कंप्लीट रीड आउट करने के बाद आपको ये वर्क अलग दिया गया होगा किस किस तरीके से आपको इस वर्क को कॉपी में करना है। अच्छा, ये पूरा कम्प्लीट वर्क आपके पास मौजूद होगा, आपको इसे कॉपी में इस तरीके से करना है। आपको सबसे पहले चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है। सबसे पहले चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे अ चाइल्ड हाइम। उसके बाद इस चैप्टर की आप एक दफ़ा ख़ुद केयरफुली रीडिंग करेंगे, जो आपको इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगेंगे आप उसकी इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग्स निकालेंगे, उनको सर्च करेंगे, उनको याद करेंगे, उनका मतलब देखेंगे। वैसे मैंने आपको डीपली समझा दिया, लेकिन आप ओन अपने तरीके से खुद करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। फिर आप इसकी वन पेज राइटिंग करेंगे और आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है आप इसमें वर्ड्स मीनिंग करेंगे, और सेकंड एक्टिविटी में आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है, आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है,
आपको इन फिंगर प्रिंट्स को देखना है और उनको सॉल्व करना है खुद ही, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड नहीं हुआ हुआ, इसलिए आपको खुद सॉल्व करना है इजीली। आप चैप्टर जब आप खुद रीड करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स गिवन है, इसके आंसर भी गिवन है, आप इजीली लिख सकते हैं। आप उसके बाद आपको पेज नंबर 9 की बुक की एक्टिविटीज़ करनी है। अच्छा, बुक की एक्टिविटीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये आपकी बुक की एक्टिविटी मौजूद है, ये आपको इसमें मैच करना है कि किससे क्या बात की जा रही है। इस काम को कॉपी में बहुत सफाई से करना है और करने के बाद आपको मुझे सैटरडे को काम चेक करवाना है। मैं पूछूंगी भी और जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन आंसर्स गिवन है और बाकी वर्क है वो सब आपको बुक में सॉल्व करना है। थैंक यू।